मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आरसू की ओर से विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय प्रबंधक का पुतला फूंका गया। पिछले 2 दिनों से छात्रों की मांगे नहीं पूरा होने पर धरना दिया जा रहा है। आरसू छात्र संघ के छात्रों की ओर से क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने की मांग की जा रही है। अब जब अत्याचार चाहे छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, किसी भी जनता के साथ होगा तो आजसू आगे बढ़कर उसको न्याय दिलाने का काम करता है। आप जानते हैं कि झारखंड में झारखंडी नामधारी पार्टी की सरकार है और झारखंड में झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा है, बंगला है, कुड़माली है, आदिवासी भाषा है, संथाल का भाषा है, इन सभी भाषाओं को पढ़ाई था, उसको इस सरकार ने रोक लगा दिया है और इसका पढ़ाई को बंद कर दिया है। इसी के निमित्त हम लोगों के छात्र संघ के इकाई विशाल महतो के नेतृत्व में शिक्षक लोग भी, छात्र लोग भी आज विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के प्रांगण में गेट पर वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि हम लोगों का क्षेत्रीय भाषा को चालू किया जाए, विद्यालय में पढ़ाई शुरू किया जाए, इंटरमीडिएट का पढ़ाई शुरू किया जाए। लोगों के पास पैसा नहीं है, इस सरकारी लोगों को बढ़ावा देने के लिए उनके हिसाब से सरकार काम कर रही है और सब बंद कर दिया है, उसके विरुद्ध में भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। आज छात्र संघ के समर्थन में हम लोग यहाँ पर उतरे हैं, आजसू के तरफ से सभी लोग यहाँ पर आए हैं और एक हेमंत सोरेन जो सरकार हैं जिनके नेतृत्व में ही शिक्षा और VC के नेतृत्व में ही इसको चालू किया जा सकता है, ये लोग जानबूझ करके रोक करके रखे हैं। तो हम लोग यहाँ के जिला प्रशासन और सभी लोगों को, मुख्यमंत्री को भी आगाह करना चाहते हैं, यदि विशाल महतो को और उनके साथ जो बैठे लोग हैं और भूख हड़ताल 2 दिन से बैठा है, सरकार अभी तक संज्ञान नहीं ले रही है, 3rd दिन हो गया है अभी तक संज्ञान में नहीं लिया है, अगर कुछ होता है तो ये लोग हत्या के अपराधी और जुर्मी होंगे, इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम मांग करते हैं कि अभी यह आंदोलन अभी सड़क पर आया हुआ है, अभी पुतला दहन का कार्यक्रम, इसी तरह से कई कार्यक्रम और जारी रहेगा, समय रहते यहाँ का DC विनोबा भावे के जो कुलपति हैं और मुख्यमंत्री के जो भी नुमाइंदा हैं इसमें BBMQ के जो विनोद बिहारी महतो के जो यूनिवर्सिटी के जो हैं विश्वविद्यालय महाविद्यालय के, उन लोगों को इसमें प्राथमिकता के साथ उनसे बात करके इसको लागू करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए, नहीं तो ये उग्र आंदोलन होगा और विशाल महतो सहित उनके साथ में जो बैठे हुए हैं ये सबका उसका कुछ हो जाता है तो सरकार उसके जिम्मेवार होंगे। अब लोग बताइए, झारखंड सरकार है, झारखंडियों के लिए बना है और ये लोग झारखंड का इज्जत अस्मिता को ख़त्म करना चाहते हैं, जिला में प्रशासन नाम का बात ऐसे ही ख़त्म है और अब पढ़ाई के ऊपर में भी लोग प्रहार कर रहे हैं ताकि झारखंडियों का यहाँ से पलायन हो जाए, यहाँ कोई शिक्षित नहीं रहे, बेकार रहे, बेरोजगार रहे, यही उनका नीति बना हुआ है और ये किसी का कठपुतली बन करके सरकार चल रही है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।